देखती आंखों सुनते गाना आपको तारिक महमूद का सलाम। तारिक महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज गया था मार्केट, आज हमारे पास जर्मनी में है जनाब, दोपहर के बज गए हैं 2। अभी अभी मैं आज मेरी छुट्टी थी, हफ्ते वाला दिन है, छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं ना कढ़ाई के लिए गोश्त लाता हूँ। गोश्त तो मैं कढ़ाई के लिए लाया था, लेकिन मेरी जो बिटिया है ना, ये जो वीडियो बना रही है, इसने कहा कि हम खाएंगे रोल, चिकन रोल। मैंने कहा नहीं, फिर रोल बनेंगे तो आज मटन रोल बनेंगे। तो आज मैं आपको ना मटन रोल बना के तो दिखाता हूँ कि हम इफ्तारी आज मटन रोल की करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मटन लिया मैंने, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसको ऐसे मैं छोटे छोटे काट लूँगा और फिर बाकी आगे का प्रोसीजर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये हम चटनी बना रहे हैं जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हमने टमाटर डाला है, पुदीना, धनिया, लेमन जूस और नमक, हरी मिर्च डाली है और ये चटनी बड़ा मज़ा करेगी शुरुआत। लो जनाब, अब हम शुरू करते हैं। ये आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि ये मटन फ्लाइश है और ये 1 किलो से थोड़ा सा कम। ये खीरा है, ये प्याज है, ये टमाटर है, ये सलाद के वो आइसबर्ग सलाद के पत्ते हैं, धनिया है, पुदीना है, थोड़ा सा नार है भी टशन के लिए डाला हुआ। अच्छा, ये नमक है 1 टीस्पून, ये 1 चुटकी जायफल जलवत्री है, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 2 टीस्पून मिर्च है चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ज़ीरा। अच्छा जी, ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी मैंने बता दिया। अब आ जाए इधर, ये देखिए, अब चूल्हा चलाते हैं यहाँ से अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा गोश्त मैंने डाल दिया वो पहले। ये 1 चम्मच जो है ना, 1 टेबलस्पून मैंने घी का डाला, देसी घी का। आप ऑयल डालें, कुछ भी डालें, कोई मसला नहीं। तो आप इसको शुरू करते हैं बनाते हुए, तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाई जाता हूँ। अच्छा, ये रोटियाँ जो कि बाज़ार से मिल जाती हैं बनी बनाई, इसमें से हम जो ज़रूरत है वो निकाल लेंगे, बाकी हम फ्रीज कर देंगे। तो ये बड़ा आसान और जल्दी बनने वाला एक रोल है जो इफ्तारी में भी आप बना सकते हैं और बेहतरीन मज़ा आएगा इसका आपको इंशाल्लाह ताला। ये मैं बताना भूल गया था, 1 लेमन का रस डाला जनाब। अब ये सारे मसाले डाल देते हैं, थोड़ा सा घी में भून के लेमन डाल के, तो ये सारे मसाले डाल देते हैं, इसको ऊपर से दम कर देते हैं और फिर ये तैयार हो जाता है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ले जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। पहला ये थोड़ी चटनी, ये शाफ नहीं है, इसमें इतनी हरी मिर्च नहीं मैंने डाली, थोड़ी डाली है। ये ऐसे बना के रख लेंगे और फिर इसको ग्रिल करते हैं। तारिक महमूद को आप इजाज़त दें, अल्लाह ताला सब का हामी व नासिर हो, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, तमाम लोगों के रोज़े कबूल फरमाए, जो नहीं रख सके अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और दोबारा से रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर बीमार को शफा अता करे और अल्लाह ताला हर एक की हिफाजत करे जो बेगुनाह कैद में, अल्लाह ताला उनकी रहाई के सबाब पैदा करे। आमीन। खुदा हाफिज़।